अशरफ भाई, ये सर औलाद मुझे बहुत मजबूर कर रहे हैं, बोल रही है अपनी जमीन बेच दो। कैसे बेचूं यार, इतने मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, अरे उनका तो पेट है। ये हमारे पुरखों का जमीने है, बाग बगीचे हैं, दिल भी नहीं चाह रहा, मजबूर है औलाद, मजबूर कर, एक ही औलाद है, वो बोल रहा है इसको बेच दो सब कुछ, मैं बाहर मुल्क में जाऊंगा, वहाँ कारोबार करूंगा। एक मेरा मशवरा है कि ऐसा गलत मत करना, आपका लड़का जो मैं देख रहा हूँ ये करोड़ों को देख रहा है, मगर ये सारा अभी आपका बड़ा इज्जत है, इतने लोग मजदूरी कर रहे हैं, आते हैं शहर से मिलते हैं इधर आपके यहाँ पे, चाय पानी सब चल रहा है, आपकी जिंदगी थोड़ा है, उसके बाद आप जो कर लें कर लें, जब तक आप हो मेरा मशवरा है कि ना बेचें। मैं भी तो यही सोचता हूँ, करोड़ों को लोग देख रहे हैं, जमीनें सब जा रहे हैं हमारे हाथ से, मगर ये मेरा बच्चा है, ये मेरा औलाद नहीं समझ रहा है, क्या करूँ इसको, इसको क्या समझाऊं, ये इसका शौक है मैं बाहर मुल्क में जाऊं, वहां कारोबार बिजनेस चलाऊं। जो आदमी यहां अपने घर में नहीं कर सकता सेठ, वहां बाहर क्या करेगा, नहीं नहीं छोड़ लें आप, उसको पता नहीं, मेरे ख्याल में कुछ लोग उसको ये जन्नत को बेचने का मेरा भी दिल नहीं करता, देखो हर भरा भरा सब। नहीं नहीं सेठ ये गलती मत करना, जैसा भी आपका वश चले ना, जब तक जिंदा हो बस अल्लाह हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। आसिम भाई आप सुना, क्यों परेशान बैठे हो? हाँ भाई आसिम भाई सुना, क्या हो रहा है? मैंने आपसे बोला था ना जमीन बेच दो अपनी, वाले साहब से बात करो अपने, क्या बना फिर? मैं क्या करूँ, मैंने बात की है नहीं मान रहे, मेरे वालिद साहब पुराने ख्यालात के हैं इसलिए वो नहीं मान रहे मेरी बात, अब मैं क्या करूं, कुछ कर भी तो नहीं सकता मैं। यार मुझे देखो, मेरे पास आज सब कुछ है, अपना बिजनेस है मस्कत में, दुबई में मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, क्यों? मैंने अपने पुरखों का ज़मीन बेच के ये सब कुछ किया, अपने आप को बना लिया मैंने। भाई किसी भी तरीके से अपने वालिद साहब को मना लो, ये ज़मीनें बेच दो, ये ज़मीन बाग बगीचे किस काम के हैं, अपने वालिद साहब को देखो क्या बनाया उन्होंने, कुछ नहीं, बस यही सारा दिन बाग बगीचे में बैठे रहते हैं, ना ढंग के कपड़े पहनते हैं, अपने आप को बनाओ भाई, छोड़ो। अब क्या करूं, बात ही नहीं मान रहे मेरी, एक काम कर सकता हूं, उनको या तो मैं जहर पिला दूं या उनका गला दबा दूं, और वो वैसे ही तो नहीं मानेंगे, ये जब तक जिंदा है ये ज़मीन मुझे नहीं मिलेगी। नहीं असीम भाई देखो, वो तुम्हारे वालिद साहब हैं, ऐसे काम नहीं करना, ये नहीं बोलना यार कि मैं उनका गला दबा दूं या उनको जहर पिला दूं, ऐसे गलत काम नहीं करना, कल को तुम जेल चले जाओगे, फिर ये ज़मीन जायदाद किस काम के, तरीके से मनाओ उनको, फिर दोबारा जाके कोशिश करना उनसे, ठीक है? सर भाई मैं फिर से ट्राई करता हूँ, अगर नहीं माने फिर आप फिर देखिए। चले ठीक है असीम भाई, आप अपने वालिद साहब से दोबारा बात कर लेना, अगर वो मान गए, ज़मीन अगर आपने बेच दी तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, फिर मैं आपको मशवरा दूंगा बिजनेस के लिए, तो इंशाल्लाह रब्ता करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अशरफ भाई बाग बगीचे हरियाली देखो, दिल भी नहीं चाह रहे जन्नत है, जन्नत हरियाली जन्नत, ये कितने मजदूर काम कर रहे हैं, इनका क्या होगा मजदूरों का, औलाद को भी करते रहना सर, हमारे औलाद को भी अल्लाह हिदायत दे, इनको अल्लाह हिदायत दे भाई, ये ना परमाने औलाद मेरा आ रहे आते भाई। देखो असीम बेटे, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये सारे जमीन बागीचे ये सारे आपको देखने पड़ेंगे, अभी ये सब आपके कंधों पर है, ये हमारे पुरखों की जमीन है बेटा, इनको बेचना नहीं है, इनको संभालो। देखो अबू ये बात आपकी सही है कि ये सब चीज मेरी है, सही ना, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये जब सब चीजें मुझे बेचनी है, बिजनेस करना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, अपना बिजनेस चलाना है, बाहर मुल्क जाना है, आप सिर्फ कहते हो यहाँ पर मैं यहाँ पर खेती बाड़ी करूँ, मैंने इसलिए पढ़ा कि मैं यहाँ पर खेती बाड़ी करूँ, नहीं मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे अपना चलाना है, ये सब चीज़ें मैं बेचना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं मान रहे मेरी बात, क्यों नहीं मान रहे आप? बेटा आपका अब्दू सही कह रहे हैं, ये सब आपका है, जब तक है इसको करने दो बेचारे को, बाद में तो आपका ही है, जो करना है कर लो,
जिंदगी कुछ दिनों का बेचारे का उसका मान लो बेटा, मेरा मशवरा तो यही है, आपका मर्जी है। तो अंकल आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं यहाँ पर खेती बाड़ी करूं? इसने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, अब मुझे गुजारनी है। मैं चाहूं जो कर सकता हूं, अब मेरी मर्जी है कि मैं इनको बेचना चाहता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे आप मेरी बात? खामोश, तपा हो जाओ मेरी नजरों से, तपा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता, जाओ यहाँ से, कबल दफा हो जाओ, मैं इसका शक्ल देखना नहीं चाहता, कबल जाओ बेटा, छोड़ो इनको बेटा, दफा हो जाओ बेटा, अबू को पकड़ना जरा, छोड़ो इनको, मैं जा रहा हूँ। ये कैसे बच्चे हैं यार, पैसे तुम्हें अच्छे लगते नहीं लगते? बिल्कुल बिल्कुल शाद भाई, जब पैसे अच्छे लगते हैं ना उसके लिए जरा सा मेहनत होती है। जी सही है, किसी को बेवकूफ बनाना कोई आसान बात नहीं होती। सही है, अभी जो शख्स आने वाला है तकरीबन अभी आएगा, उसको मैंने पूरा बनाया हुआ, उसका सही है, उसका माइंड इस तरह बनाया हुआ है कि उसको ये प्रॉपर्टी बेचनी है। सही बिल्कुल ठीक, और आपको मेरा साथ देना है। सही बिल्कुल, प्रॉपर्टी किस तरह बिकती है आपको बिल्कुल साथ देना है, तो इसमें हम दोनों का फायदा होगा। सही है, उनका तो नुकसान है हमारा फायदा है इसमें। आजा, आजा। बिल्कुल 50-50 करेंगे, वो तो टेंशन नहीं लो, लेकिन आपको मेरा बिल्कुल साथ देना है, आपने बिल्कुल खामोश रहना है, उसके सामने आपने कुछ नहीं बोलना, बाकी सारा मैं बनाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, आ जाए, देखते हैं इसको। ओ सामने से आ रहा है असीम भाई, जरा सुनिएगा। और क्या है खेरी से कहाँ घूम रहे हो? बस क्या हाल बना के रखा हुआ है? आप लोग प्रॉपर्टियों के वारिस हो, इतना बड़ी जमीन है आपके पास, तो मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। मैं आपको बहुत दिन से नोट कर रहा हूँ, आप घूम रहे हो कभी इधर कभी उधर घूम रहे हो, ये जमीन किस काम की आप लोग? अगर आप इसको बेचोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। अच्छा आप लोग क्या इरादा बेचने का? नहीं मैं बेचना तो चाहता हूँ, लेकिन वालिद साहब नहीं मान रहे हैं ना। क्यों नहीं मान रहे? वो कह रहे हैं कि पुरखों का जमीन है, क्यों बेचना चाहते हो? ये कल को पानी सूख जाएगा, खेत खलियान सूख जाएंगे, खत्म हो जाएगा, इसको बेचने के बाद तुम्हारे पास पैसे आएंगे, गाड़ी आएगी, और तुम्हारे पास हर बंदा तुम्हें सलाम करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे, हर बंदा सलाम करेगा, सारी तुम्हारी जो जिंदगी अयाशियाँ हो जाएंगी, बाहर मुल्क देखोगे, रंग बिरंगी दुनिया देखोगे, यहाँ क्या देख रहे हो? यही पत्ते वही जाड़े और क्या देखना है? अपने वालिद साहब को मनाओ मनाओ, इसमें तुम्हारा बड़ा फायदा है। हाँ मैंने कोशिश तो की है लेकिन नहीं मान रहे, मैं क्या करूँ? अब इनको मैं बता रहा हूँ, इनके समझ में ही नहीं आ रहा है। एक बात सुने, आप मेरे साथ आओ, आप अपने वालिद साहब को मनाओ इस चीज के बारे में, ठीक है ना? क्या हुआ सेठ, क्या हुआ शायद सेठ? अरे कुछ नहीं हुआ इनको, जमीन बेचना नहीं है, एक्टिंग कर रहे हैं। जल्दी उठो, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, जमीन के काम जाने दो, जाने दो इनको, जाने दो। लापरवाह होना से और बेहोला से अच्छा है, कुछ नहीं होगा, ये एक्टिंग कर रहे हैं, इनको जमीन बेचना नहीं है, जमीन बेच दो, जमीन बेच दो, अबू का तबीयत सही नहीं है तुम्हारा, मैं मर जाऊंगा, जमीन नहीं बेचूंगा, मैं मर जाऊंगा, जमीन नहीं करेगा, मैं भी देखता हूं, बेच दो, फिर करेगा, मैं भी देखता हूं कैसे नहीं बेचते आप जमीन, जो करना है कर लो, मैं जमीन नहीं बेचूंगा, खैर होगा, खैर होगा, फिर सुन लो, जो बच्चा बोल रहा है वही आप करो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, जमीन नहीं बेचूंगा, नहीं सेठ मसला नहीं, कोई बोले दफा कर अपने शिकल, सर यहाँ मुझे नहीं चाहिए, सही नहीं है बेटा तुम्हारा, ये नहीं बोल, अरे सेठ, अरे तुम फंस रहा हो, मेरे ख्याल में मेरा अबू बेटा, तुम्हारा अबू मेरे ख्याल में अबू, अब अपना दिल का करना बेटा, सही है जो तू चाह रहा था वही होगा, वही करो, नहीं अब रोने से बेटा, अब रोने से बेटा फायदा नहीं है, सेठ। अरे आओ भाई, हमारी ये छोटी सी कोशिश कैसी से लगी, आप अपने कमेंट से राय दें, हमें बता दें, ताकि हम मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचाएं।
और ये हमारे लिए वैसे नसीहत किया ये वीडियो, ताकि बच्चे अपने वालिदिन का बूढ़ों का एहतराम करें, उनका बात माने, बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए।